जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में। जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स है और नॉन मेटल्स है, जो कि हमको रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल और नॉन मेटल के बारे में एक आइडिया प्रोवाइड करती है कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन ज्यादा लेस रिएक्टिव है, किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है, किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है, कौन ऑक्सीडाइज होगा, कौन रिड्यूस होगा। इन सबका कॉन्सेप्ट कौन बताता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर हम देखें डियर फ्रेंड, तो सबसे टॉप पे आपका लिथियम आयन है और सबसे बॉटम पे आपका फ्लोरीन है, जो जनरल ऑब्जर्वेशन में आता है। मतलब मेटल्स अपसाइड में है और नॉन मेटल्स डाउन साइड में है। पहला कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठाइएगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है वो अरेंजमेंट ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स है, जो कि आपके एसआरपी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, -3.05 से लेकर के +2.87। तो डिफरेंट मेटल और नॉन मेटल्स को उनके स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टर्म में अरेंज करना, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहलाता है। तो अगर कोई बोले कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, तो इट इज द रिएक्टिविटी सीरीज आर मेटल एंड नॉन मेटल विच इज अरेंज्ड विद रिस्पेक्ट टू एसआरपी। एसआरपी मींस होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। तो जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू पर बेस्ड है डियर स्टूडेंट्स, तो उसी पे टोटल कॉन्सेप्ट हमको समझना है। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो लिथियम आयन के लिए होती है वो -3.05 होती है, फ्लोरीन के लिए जो होती है प्लस, आप देख रहे होंगे वैल्यू नेगेटिव टू पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव टू पॉजिटिव आ रही है, और बीच में हाइड्रोजन जो है, जो कि एसिडिक वाटर का पार्ट है, इसकी वैल्यू कितनी हो रही है? जीरो हो रही है। कितनी हो रही है? जीरो। तो हाइड्रोजन के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है? जीरो होती है, उसके नीचे बढ़ती है, उसके ऊपर घटती है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर स्टूडेंट्स हम बात करें कि वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिवली बढ़ती है और निगेटिवली, यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर मेटल्स को रखा गया है, हाइड्रोजन के नीचे नॉन मेटल्स को रखा गया है। आप नीचे आओगे हाइड्रोजन से नीचे तो कॉपर, सिल्वर और प्लैटिनम है। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम चार मेटल्स हैं, बाकी और सब नॉन मेटल्स को रखा गया है। तो अभी उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, बट एक आउटलाइन आपके दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो लिथियम आयन के रिस्पेक्ट में या हाइड्रोजन और इसके सीरीज में मेटल और नॉन मेटल की एक सीरीज है, जो कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को आइडियल मान करके बनाई गई है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस सीरीज में अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेटल आयन्स जो है वो कहाँ पे है? मेटल आयन्स हमेशा लेफ्ट साइड में होते हैं और मेटल किधर होता है? राइट साइड में। ये सब नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो मेटल आयन्स होते हैं वो किधर होते हैं? इधर देखिए, ये लेफ्ट साइड में है ना, मेटल्स किधर है? राइट साइड में। नॉन मेटल्स किधर है? नॉन मेटल लेफ्ट साइड में। और नॉन मेटल आयन्स किधर है? राइट साइड में। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो नॉन मेटल आयन्स हमेशा राइट साइड में होते हैं, नॉन मेटल्स जो होती है वो लेफ्ट साइड में होती है। इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट। ठीक है, अगला पॉइंट जो हमारे पास आता है वो आता है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पावर का, आता है कि कौन ऑक्सीडाइज करता है, कौन रिड्यूस करता है। ठीक है, तो आपको पता है कि जो नॉन मेटल्स होती है उनकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, होती है कि नहीं होती है? तो जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी होती है जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, मतलब कि नॉन मेटल के साइड में आते हैं, तो बढ़ती है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इंक्रीज करता है बॉटम पे आने पर। तो जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है नॉन मेटेलिक नेचर, तो नॉन मेटेलिक नेचर निगेटिवली बढ़ता है, मतलब नीचे आने पर बढ़ता है। मतलब जितनी ज्यादा आपकी एसआरपी की वैल्यू, मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव होगी, जितनी ज्यादा पॉजिटिव होगी आपका नॉन मेटेलिक नेचर ज्यादा होगा। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वैल्यू, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी ज्यादा होगी। और तीसरा पॉइंट, ऑक्सीडाइजिंग पावर जितना ज्यादा पॉजिटिव होगी, ई एस आर पी की वैल्यू जितनी ज्यादा पॉजिटिव होगी उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर उतना ही ज्यादा होगा। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर इज डायरेक्टली इक्वल टू प्लस ई रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, नॉन मेटेलिक नेचर प्लस ई की डायरेक्ट इक्वेशन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस ई के डायरेक्ट इक्वेशन होता है। तो नॉन मेटल नेचर कौन ज्यादा रिएक्टिव है, जिसकी वैल्यू जितनी ज्यादा पॉजिटिव होगी, ये पॉइंट मार्क कर लिएगा, ये किसके लिए है? नॉन मेटल्स के लिए हो गया। इसी का ठीक उल्टा आ जाए तो आप बात करें मेटल्स के लिए, बात करें
तो रिड्यूसिंग पावर जो होता है, ऑक्सीडाइजिंग पावर पॉजिटिव वैल्यू पे डिपेंड करता है और रिड्यूसिंग पावर ई एस आर पी अगर निगेटिव है तब क्या होगा, तो रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगी, जितना ज्यादा निगेटिव रिड्यूसिंग पावर उतना ज्यादा। रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिड्यूसिंग मेटल लिथियम होती है, लीस्ट रिड्यूसिंग फ्लोरीन होता है, हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग फ्लोरीन होता है, लीस्ट ऑक्सीडाइजिंग कौन होता है, लिथियम होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो पॉजिटिव वैल्यू इन तीनों पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और निगेटिव वैल्यू जो होती है रिड्यूसिंग पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जितनी ज्यादा निगेटिव वैल्यू होगी उसका रिड्यूसिंग पावर उतना ज्यादा होगा। ठीक है, आपसे बोर्ड में पूछेगा ए बी सी डी चार दे देगा, चारों की वैल्यू निगेटिव में दे देगा, जिसकी वैल्यू जितनी ज्यादा निगेटिव होगी उसकी रिडक्शन उसकी रिड्यूसिंग पावर उतनी ज्यादा होगी। दूसरा, रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगा तो रिड्यूसिंग नेचर जो होता है मेटल का होता है, तो मेटेलिक रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, मेटेलिक रिएक्टिविटी ज्यादा होगी तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी ज्यादा होगी। मतलब यहां से फिर एक पॉइंट आया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कि मेटेलिक प्रॉपर्टी ज्यादा होगी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा ही, और सिंपल सी बात है जो ज्यादा मेटेलिक होगा वो जितना ज्यादा मेटेलिक होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा, तो जितनी ज्यादा निगेटिव वैल्यू होगी स्टैंडर्ड रिडक्शन बोले देखिए ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा लिथियम, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा निगेटिव है, तो जिसकी वैल्यू जितनी ज्यादा निगेटिव वो मेटल उतनी ही ज्यादा क्या होगी, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर की होगी, क्या होगी, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर की होगी। ठीक है, तो रिड्यूसिंग पावर माइनस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, माइनस वैल्यू के, मेटेलिक नेचर माइनस वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर माइनस वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डिस्प्लेसमेंट पावर, जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट पावर की बात ध्यान रखिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बच्चे कंफ्यूज कर, एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन ही पुटअप किया था कि सर डिस्प्लेसमेंट पावर किस पे डिपेंड करती है, तो बहुत ही क्लियरली दिमाग में बैठा लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट पावर डिपेंड करती है आपके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पे, जितनी ज्यादा निगेटिव वैल्यू होगी उसका डिस्प्लेसमेंट पावर उतना ज्यादा होगा। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ स्टूडेंट, जेड एन एफ ई निकिल कॉपर सिल्वर, ये मेटल्स का अरेंजमेंट है, ये एग्जाम्पल छोटा सा दे रहा हूं, तो अब इधर जाने पर सबसे ज्यादा निगेटिव वैल्यू किसके लिए होगी, जिंक के लिए, फिर किसके लिए होगी, आयरन के लिए, फिर किसके लिए होगी, निकल के लिए, फिर कॉपर के लिए, फिर सिल्वर के लिए, तो सबसे ज्यादा निगेटिव वैल्यू किसके लिए होगी, जिंक के लिए, तो जिंक का, जिंक जो है वो क्या करेगा, इन सबको उनके सॉल्ट के सोल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देगा। कल एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि सर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को क्या हम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को जिंक कंटेनर में रख सकते हैं, तो कतई नहीं रख सकते, क्यों, जैसे ही आप जिंक का कंटेनर है इसमें कॉपर सल्फेट रखोगे, जिंक ज्यादा रिएक्टिव हो कॉपर को डिस्प्लेस करके जेड एनएसओ फोर बना लेगा और कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि कंटेनर की बात अगर आए, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन की बात आए, तो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन दिमाग में बैठा लीजिए कि उसी का डिस्प्लेसमेंट होता है वही डिस्प्लेस कर पाता है जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा निगेटिव होती है। तो इन चारों मेटल्स में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा निगेटिव वैल्यू जिंक की होती है, फिर किसकी होती है, आयरन। इसकी वैल्यू मैं आपको, इसकी फ्लोशीट मैं आपको दे रखा हूं, आप एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं, वैल्यूज आपको अवेलेबल होगी। तो जिंक को कॉपर सल्फेट जिंक के कंटेनर में कॉपर सल्फेट नहीं रख सकते, लेकिन जेड एन एस ओ फोर को कॉपर कंटेनर में रखा सकता है। क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, जिंक को, जिंक का कंटेनर ले और उसमें कॉपर सल्फेट रखें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, क्योंकि जिंक की इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव है। लेकिन अगर उल्टा करें कि कॉपर का कंटेनर हो और उसमें जेड एन एस ओ फोर रखें तो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस चीजों को ध्यान देखना है। जैसे अभी सिल्वर, सिल्वर नाइट्रेट मैंने आपको दिया, मैंने कहा जरा कॉपर के कंटेनर में सिल्वर नाइट्रेट को रख दो, तो रख पाओगे, कभी नहीं स्टोर कर पाते, क्यों, क्योंकि कॉपर ज्यादा रिएक्टिव हो सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है सिल्वर कंटेनर में रख दो, तो आसानी से रख लोगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। तो इस बात को ध्यान देना है कि किस कोई भी मेटल दूसरी मेटल के सॉल्ट सोल्यूशन में से डिस्प्लेस कर सकती है जब उसकी नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होगी। जैसे जिंक FeSO4 को डिस्प्लेस कर सकता है, NiSO4 को डिस्प्लेस कर सकता है, CuSO4 को डिस्प्लेस कर सकता है, सिल्वर नाइट्रेट को डिस्प्लेस कर सकता है, यहाँ जिंक इन चारों को डिस्प्लेस कर सकता है, आयरन इन तीनों को डिस्प्लेस कर सकता है, निकिल इन दोनों को डिस्प्लेस कर सकता है, कॉपर इनको डिस्प्लेस कर सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है, माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो कंटेनर का एक क्वेश्चन है मेरे पास, स्टूडेंट्स आपसे डिस्कस करता हूं। क्वेश्चन पूछा गया है, ये प्रीवियस ईयर बोर्ड में आया था, कि व्हेन ए कॉपर स्ट्रिप इज प्लेस इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट द सॉल्यूशन बिकम्स ब्लू। अगर हम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में अगर हम कॉपर स्ट्रिप को रखें तो सॉल्यूशन ब्लू क्यों हो जाता है, तो सिंपल सी बात है, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है उसमें कॉपर स्ट्रिप रखोगे, कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर क्या करेगा, सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर को हटा देगा, कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा, ब्लू कलर का सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि टॉपिक क्लियर होगा। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है ये क्लियर हो गया। दूसरी बात,
आई होप कि डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो गया होगा, कौन कौन सा कंटेनर में रख सकते हो, कौन सा कंटेनर नहीं रख सकते हो, कर लोगे, क्लियर है? कंटेनर वाला ध्यान रखिएगा, जिसकी वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव वो अपने से लोअर वाले को डिस्प्लेस कर देगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? ये चीजों को ध्यान रखिएगा, ये सब माइनस ई वैल्यू पे डिपेंड करती है और ये सारी बातें प्लस ई वैल्यू पे डिपेंड करती है। पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पेपर में पूछे आते हैं, ठीक है? अब क्वेश्चन जो आता है कि कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बेटा इसको आई होप कि आप नोट कर चुके होंगे, नहीं नोट किए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, ठीक है? अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो आपको ऑक्सीडाइजिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर, इन सब के बारे में बता दिया मैंने, आई होप कि आपको चीजें क्लियर भी हो गई होंगी, ठीक है? अब आप बात करें तो अगर मान लीजिए आपको दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखी है, एक एम एन प्लस एम दे रखा है, इसकी वैल्यू दे रखा है माइनस 0 पॉइंट या प्लस 0.50 वोल्ट, और एक वैल्यू और दे रखी है एम डैश एन प्लस एम, और इसकी वैल्यू दे रखी है 0.80 वोल्ट। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये पूछता है कि सर जो हमारे पास पास कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने का फार्मूला है वो मैं आपको बता चुका हूँ, ई नॉट सेल इज इक्वल टू होता है ई नॉट आर माइनस ई नॉट एल, दैट इज ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन, ये होता है, ठीक है? तो क्वेश्चन ये उठता है कि सर हम कैसे पता करें कि किसका, अब तो ये दिया है दोनों सर रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में लिखा हुआ है, तो कैसे पता करें कि सर किसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा और किसका रिडक्शन है? ये क्लू बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे बहुत काम आने वाला है, तो ये ध्यान रखिएगा। पहली बात तो इस फार्मूले में जो भी वैल्यू रखी जाती है वो हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में रखी जाती है, किसके टर्म में रखी जाती है? रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में रखी जाती है, उसको समझेंगे। ये देख लीजिए, अब इन दोनों में किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हो रहा है ये समझ लीजिए, ये ध्यान रखिएगा। जितनी ज्यादा वैल्यू पॉजिटिव होगी, किसकी वैल्यू ई नॉट की, किसकी ई नॉट की, ई नॉट एस आर पी के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज्यादा पॉजिटिव होगी उसका क्या होता है हमेशा, ये ध्यान रखिएगा, रिडक्शन होगा। जरा बताइए इन दोनों में कौन सा रिडक्शन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, और जिसकी वैल्यू जितनी कम पॉजिटिव होगी उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ये दिमाग में बैठा लीजिए, इस फार्मूले में मान लीजिए आपको ये नहीं बताया कि दोनों की वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में लिखी है, तो आप कंफ्यूज जाते हो कि सर कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें, तो बहुत आसान है, और सारा होने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना लिखना है कि सर किसकी वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव है, जिसकी वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव होगी उसका रिडक्शन होगा, और जिसकी वैल्यू कम पॉजिटिव होगी उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ये देखो, लेकिन दिस डाटा शुड बी इन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल टर्म। अच्छा, मान लीजिए अब ये डाटा तो समझ में आ गया होगा, ठीक है? अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ई नॉट जेड एन Zn प्लस 2 0.76 वोल्ट, ठीक है? और एक ये देखा E0 Cu प्लस 2 Cu प्लस 0.34 वोल्ट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इन दोनों वैल्यू में अगर आपसे मैं पूछूं कि कौन सी किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हो रहा है, तो आप क्वेश्चन मत सॉल्व करिए, पहले आप देखिए क्या दोनों रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में लिखा है। तो देखिए ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में है, लेकिन ये देखिए ये गेन ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जब तक आप इस वैल्यू को रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में नहीं लाएंगे, मतलब की लॉस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म में नहीं लाएंगे, तब तक आपका क्वेश्चन सही नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को देख करके ही सॉल्व करिएगा आगे। अगर ये रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में लिखा है तो देख लीजिए किसकी वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव है, जिसकी वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव होगी उसका उसका रिडक्शन होगा, जिसकी वैल्यू कम पॉजिटिव होगी उसका ऑक्सीडेशन होगा। लेकिन अगर रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में नहीं लिखा है तो पहले उसको रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में लिखिएगा, तभी इसमें वैल्यू रखिएगा। इस फार्मूले में जो वैल्यू रखी जाएगी वो हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में ही रखी जाएगी, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मेरी बात ध्यान आ रही है कि पहली बात जैसे ये वैल्यू दी वो पहले आप ये देखेंगे कि रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में है या नहीं है। कैसे पता करेंगे, ऐसे एरो खींचिए, ये देखिए कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में लिखा है, लेकिन अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है तो पहले आप जो वैल्यू दी हुई है उसका साइन चेंज कर लीजिए, अगर वो रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में नहीं दिया तो। देने के बाद देख लीजिए किसकी वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव, जिसकी पॉजिटिव होगी वो रिडक्शन, और जिसकी लेस पॉजिटिव होगी वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है? तो इस तरीके से आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपको फिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिलता है डियर स्टूडेंट्स। कैसे फिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिलता है, आइए देखते हैं। जैसे अभी ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास।
अब हमको इसका E नॉट सेल निकालना है, तो क्या हो जाएगा E नॉट R माइनस E नॉट L, इसकी वैल्यू प्लस 0.34 है, इसकी माइनस 0.76 है, तो किसकी हो जाएगी पॉजिटिव, इसकी, तो ये हो जाएगा वैल्यू यहाँ पे प्लस 0.34 माइनस, इसकी वैल्यू कितनी आएगी माइनस 0.7। आप ये वैल्यू मत रखिएगा, क्यों, क्योंकि ये तो ऑक्सीडेशन के पोटेंशियल के टर्म में था, इसको हमने पहले किसमें नोट किया, रिडक्शन पोटेंशियल, इसको उल्टा करें, उल्टा करेंगे तो साइन चेंज हो जाता है, अब कितना हो गया प्लस 1.10 वोल्ट। अगर E नॉट सेल की वैल्यू इस तरीके से रखने पर क्या आ रही है आपकी, पॉजिटिव आ रही है, जनरली तो क्या होता है कि आपको रिएक्शन दे देता है, आप उसे सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन बहुत आसान होता है, इजी वन सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कहीं कहीं पे क्वेश्चन नहीं दिया होता तो वहां प्रॉब्लम होती है, तो वहां पर ध्यान रखना, अगर E नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव है तो सेल रिएक्शन फिजिबल होगा, और अगर E नॉट सेल की वैल्यू निगेटिव है तो नॉन फिजिबल होगा, फिजिबल का मतलब रिएक्शन होगा ही, तो E नॉट सेल की वैल्यू देख करके आप बता सकते हो कि सेल रिएक्शन होगा या नहीं होगा, ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका, ठीक है। E नॉट सेल की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो सेल रिएक्शन फिजिबल, सेल रिएक्शन होगा, सेल सेल आपका काम करेगा, अगर E नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव नहीं निगेटिव आ रही है तो क्या होगा, नॉन फिजिबल होगा। आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, एक एग्जाम्पल क्वेश्चन कर लेता हूँ, वो क्वेश्चन से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है Cu+2 Ag+Ag, ठीक है, और ये दे रखा है E नॉट Cu+2 Cu दे रखा है प्लस 0.34 वोल्ट, और E नॉट Ag+Ag दे रखा है प्लस 0.80 वोल्ट, आपसे कह रहा है कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल, आप सेल निकाल के दिखाएंगे, ठीक मुझे निकालना तो देख लें मैं कर दूँ, लेकिन पहले आप इस रिएक्शन को ब्रेक करके लिखोगे, Cu इज कन्वर्टेड इनटू Cu+2 टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंड Ag+2 से मल्टीप्लाई कर दोगे आपका रिएक्शन हो गया, क्या हो गया Cu+2 Ag gives out Cu+2+2 Ag, बस ये रिएक्शन, ठीक है, तो क्लियर हो गया कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिएक्शन किसका हो रहा है, और वैसे भी आपको क्लियर है इसकी वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव है तो इसका रिएक्शन हो रहा है, तो आपके पास फार्मूला है E cell = E0R - E0L, किसका रिएक्शन हो रहा है, इसकी वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव है तो इसका रिएक्शन हो रहा है, तो +8.80 माइनस, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, अब कहेंगे सर साइन माइनस क्यों निकल रहा है यार, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में लिखा है तो काय पर रखेंगे, ये हो जाएगा 0.34, ठीक, अब इसको आप सॉल्व करोगे तो जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 0.46 वोल्ट, ये देखिए ये वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, शो कर रहा है कि हमारा सेल रिएक्शन क्या है, फिजिबल है, तो सेल रिएक्शन के लिए फिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आपकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए, तो जब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे पहले रिएक्शन लिख के देख लो, उसके बाद आप वैल्यू रख करके सॉल्व कर लो, देख लो आपका आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा है, तो डियर स्टूडेंट्स इसके बेस्ड क्वेश्चंस आपके पास एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, इसको रख करके सॉल्व करिएगा, कहीं कहीं पे ये रिएक्शन नहीं देता है, सिर्फ ये वैल्यू देता है, तब क्या करोगे, जिसकी वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव होगी उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा, जिसकी वैल्यू कम पॉजिटिव होगी उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में लिखा है तो पहले उसे किस में कन्वर्ट करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में, रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, कैसे पता करेंगे कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में है कि रिडक्शन, ऐसे एरो खींचेंगे, ऐसे एरो खींचेंगे, अगर एरो खींचने पर प्लस से शून्य हो रहा है, प्लस से जीरो हो रहा है तो क्या समझेंगे कि सर ठीक है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो ठीक है रिडक्शन पोटेंशियल, लेकिन अगर क्या हो रहा है जीरो से प्लस हो रहा है मतलब कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो पहले उसको आप कन्वर्ट करोगे कैसे, साइन चेंज करके, तो आई होप कि आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आप इसके बेस्ड न्यूमेरिकल्स को लगाइएगा डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो देखते हैं, कल के लाइव क्लास में मैं आपको नस्ट इक्वेशन का डिटेल टॉपिक पढ़ाऊंगा, तो आई होप ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, तो नस्ट इक्वेशन हमारे लिए समझना आसान हो, ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको आज का वीडियो लेक्चर समझ में आया हो तो आप इसको अरेंज करने का प्रयास करिएगा, मैं दो चार क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप क्वेश्चन को करिएगा, ठीक है, क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए हैं, आप एनसीईआरटी से करो ज्यादा अच्छा है, एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चन अवेलेबल है, आप ऑक्सीडाइजिंग पावर रिड्यूसिंग पावर का कॉन्सेप्ट तैयार रखिएगा, इवनिंग सेशन में मैं आपको उससे क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, माई डियर फ्रेंड्स।
थैंक यू।